आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते कि लीनियर प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ लीनियर प्रोग्रामिंग कंसिस्ट ऑफ ए लीनियर फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटीज। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल्स टू 2x1 + 3x2। ओके, एंड देन ये है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, इसे हम बोलते हैं कंडीशन। अब ये हमारी इनइक्वालिटीज लिखी हुई है, x1 + x2 > r = 400, 2x1 + x2 > r = 600। एंड जो यहाँ पे यूज होने वाले वेरिएबल्स हैं x1 x2, वो हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। और ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग होती है, ये जो पूरा सिस्टम है, इसी को हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। अब जैसे कि एक और ये एग्जाम्पल दे रखा है, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल्स टू 2x1 + 3x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। एंड ये जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है, ये है यहाँ पर x1 - x2 < r = 2 एंड x1 + x2 > r = 4। एंड ये जो यहाँ पे यूज होने वाले वेरिएबल है, जैसे अभी हमने यहाँ पे ऊपर एग्जाम्पल फर्स्ट में देखा था, वैसे ये भी पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब ये बात आती है कि एग्जाम में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, वो एक हमें LPP दे रखी होगी, उसे हमें कहेंगे, इसे हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। और आगे और भी मेथड है जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ग्राफिकल मेथड के बारे में। अब ये है हमारा ग्राफिकल मेथड ऑफ LPP। किसी भी LPP को, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को, हम सबसे पहले ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, उसमें लिखा होता है कि सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो ग्राफिकल मेथड होता है, उसमें हमारे 4 केसेस होते हैं। भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें उसमें किसी कोई एक टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा। या तो वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, या वो हमारा अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा, या वो हमारा इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा, एंड या वो हमारा और या तो वो हमारा नो सॉल्यूशन होगा। चलिए अब हम एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम लेते हैं, जिसे ग्राफिकल मेथड की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमें कौन सा सॉल्यूशन मिलता है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड। अब ये हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल्स टू 2x1 + 3x2 एंड यहाँ पे सब्जेक्ट टू कंस्टेंट दे रखा है, यानी कंडीशन x1 + x2 > r = 400 एंड 2x1 + x2 > r = 600। एंड जो यहाँ पे x1 x2 है, वो ग्रेटर देन r = 0 है, यानी पॉजिटिव है। तो चलिए अब हम इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, सबसे पहले ये जो हमें इनइक्वालिटीज दे रखी होती, इनको हम इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये यहाँ से हो जाती है x1 + x2 = ये जो हमने हमारी, और ये जो हमारी सेकंड वाली इनइक्वालिटीज है, इसको भी हम इक्वेशन में लिख लेंगे। तो ये जाएगा 2x1 + x2 = 600। ये दोनों अब हमारी हो गई है इक्वेशन। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में x2 = 0 पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से, यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है x1 + x2 = 400, यहाँ पे हम पुट कर देंगे x2 = 0। तो हमें यहाँ पे x1 = मिल जाएगा 400, और यहाँ पे जो हमारे पॉइंट्स होंगे वो हमें मिल जाएंगे 400, 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे x1 = 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा x2 = 400। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट हो जाएंगे इस बार 0, 400। तो ये जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन थी, इससे हमने पॉइंट निकाल लिए। अब हम को हमें निकालना है, तो यहाँ पे जाएगा 2x1 + x2 = 600। एंड यहाँ पे अब हम पुट कर देंगे x2 = 0, और यहां से हमें x2 = 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x1 = 300, एंड यहां से हमें पॉइंट मिलेंगे 300, 0। एंड सिमिलरली यहाँ पे हम x1 = 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमें x2 = मिल जाएगा 600। यहाँ पे हम x1 = 0 पुट कर देंगे इसकी जगह पे, तो x2 = 600।
तो यहाँ पे हमारे पॉइंट हो जाएंगे 0,600। अब हमें पॉइंट दोनों पता चल चुके हैं, अब हमें एक ग्राफ बनाना है और उस पर हमें इन पॉइंट्स, अब हमें इन पॉइंट, अब हमने ये पॉइंट फाइंड कर लिए, अब हमने ये पॉइंट पता कर लिए, अब इन पॉइंट की हेल्प से हम एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब ये हमने ग्राफ पेपर पे ये x1 इन पॉइंट की हेल्प से हम एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब ये हमने ग्राफ पेपर पे ये x1 और ये x2 ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और हमारे जो पॉइंट्स आए थे वो हमारे पॉइंट्स थे ये, जो हमारा x1 हमारा यहाँ पे 400 था एंड जो हमारा यहाँ पे x1 था वो 300 था, तो और जो हमारा x2 है वो 400 और 600 है। तो हमने ग्राफ पे ये पॉइंट बना लिए हैं 100, 200, 300, 400 एंड यहाँ पे ये वाले पॉइंट। सबसे पहले हमारा पॉइंट था यहाँ पे, हमारा जो ये वाला x1 है वो हमारा 400 है एंड x2 यहाँ पे 0 है, तो x1 जो है वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। x1 है हमारा यहाँ पे 400 कॉमा और x2 जो है वो 0 है। ठीक है, ये हो गया। एंड सेकेंड पॉइंट था हमारा कि यहाँ पे x1 जो है वो 0 है एंड x2 जो है वो है 400, तो हम x2 के लिए हमें इस साइड में चलना होगा, तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे वाला कोऑर्डिनेट है इसको हम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें मिल जाएगा 0,400। ठीक है, तो अब हमें इसको, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को हम मिला देंगे। लाइन है ये हमारी जो ये वाली लाइन ड्रॉ की है, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से की है, ये वाली जो इक्वेशन फर्स्ट थी, तो इस वाली लाइन को हम इक्वेशन, तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। ठीक है, एंड अब ये हमारे सेकेंड पॉइंट है 300,0, तो यहाँ x1 पे 300 यहाँ पे और 0, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 300,0, ये हो गया। ठीक है, एंड फिर है हमारा 0,600, मतलब x1 0 है और x2 जो है ये वाली लाइन में, क्योंकि यहाँ पे x2 है वो हमारा 600 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0,600। अब ये जो 0,600 इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट को हम मैच करेंगे, तो ये और ये हमारी हो गई लाइन 2। अब ये दोनों जहां पे टच करती हैं तो इस पॉइंट को हमें फाइंड करना होगा, तो इसके लिए जो हमारी ये इक्वेशन फर्स्ट और जो इक्वेशन 2 थी जिनसे हमने पॉइंट्स निकाले थे उनको हम सॉल्व करेंगे, तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, उन्हें हम यहाँ पे लाके पुट कर देंगे। ठीक, तो ये थी हमारी इक्वेशन, तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट वाली है इसको हम इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो हमारी इक्वेशन 2 है 2x1 + x2, इसमें से 2x1 + x2 इज इक्वल्स टू है 600 एंड ये वाली है x1 + x2 इज इक्वल्स टू 400, तो इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा x1 एंड ये कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे बच जाएगा हमारा 200। तो हमें यहाँ से x1 की तो वैल्यू पता चल चुकी है, अब हमें x2 निकालना है, तो x2 निकालने के लिए हम यहाँ पे x1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हमें x2 मिल जाएगा, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये जो हमारी ये वाली है इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, हो जाती है x1 + x2 इज इक्वल्स टू 400 एंड x1 की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, तो यहाँ से x2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 400 - x1 एंड यहाँ से हो जाएगा x2 इज इक्वल्स टू 400 - 200, तो यहाँ से हो जाएगा x2 इज इक्वल्स टू 200, तो यहाँ पे हमें x1, x2 की वैल्यू मिल जाती है 200, 200। तो अब ये जो ये वाला पॉइंट था इसकी वैल्यू हमने पता कर ली है, तो ये हो गई हमारी 200,200। अब हमें रीजन, फिजिबल रीजन की बात करनी है, तो यहाँ पे अब हम एरिया हमारा किस तरफ, मतलब जो हमारा एरिया होगा वो किस साइड में होगा, इधर बाहर की साइड में होगा या इधर साइड में होगा, मतलब किस साइड में होगा, तो उसे पता करने के लिए ये जो यहाँ पे हमें इनइक्वालिटीज दे रखी थी इनकी हम हेल्प से एरिया को हम ड्रॉ करते हैं। जब ये लेस देन में दे रखी होती है तो जो हमारे एरिया होता है वो हमारा ओरिजिन की साइड में होता है, एंड जब ये ग्रेटर देन होती है तो वो हमारा जो होता है ओरिजिन से बाहर के साइड में होता है। तो देखिए कैसे होता है, ये दोनों लेस देन में दे रखी हैं, पहली है x1 + x2 इज लेस देन आर इज इक्वल्स टू 400,
ये जो ये फर्स्ट वाली है, तो ये जो इसका एरिया है ये इधर अंदर के साइड में होगा, ये थी हमारी ये फर्स्ट वाली, तो ये जो इसका एरिया है वो इस टाइप से हो जाएगा, ये इस टाइप से, एंड यहां से पूरा हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ये भी, ये पूरा हो गया, ठीक है। और ये जो ये वाली है, जो सेकेंड वाली है, वो भी हमारी लेस देन में दे रखी है, तो उसका भी एरिया, इसका पूरा एरिया यहां से ये पूरा अंदर की तरफ ये पूरा हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे अब ये भी एरिया हो गया है और ये भी एरिया हो गया, लेकिन हमें यहां से कंबाइंड एरिया चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से हमें कॉमन एरिया निकालना होगा। तो कॉमन हमारा ये इतना वाला एरिया है, ये जो हमें पूरे में दिख रहा है ये वाला एरिया, तो ये हमारा कॉमन हो जाता है। तो यहां से हम इसे पॉइंट के, तो यहां से इस एरिया को हम ले लेते हैं, तो यहां से ये ओ हो गया, एंड इसे हम ए बोल देते हैं, इसे हम बी कह देते हैं, एंड ये जो ए वाला पॉइंट होता है इसे हम सी कह देते हैं। अब हमें इन चारों पॉइंट पे मैक्सिमाइज जेड निकालना है, तो वो देखो, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमाइज जेड ये दे रखा था 2x1 + 3x2, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमाइज जेड दे रखा था। हम ओ पे निकालेंगे मैक्सिमाइज जेड, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओ पे क्या है, 0,0 है, मतलब x1 x2 दोनों ही हमारे 0 है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमाइज जेड है वो हमारा 0 हो जाएगा। एंड जब हम ए पे निकालेंगे, जो ए ये हमारा पॉइंट है, ए ए पॉइंट ये वाला है हमारा 300,0, क्योंकि ये 400 वाला है यहाँ पे थोड़ा वो, तो ये हो गया 300,0। तो यहाँ पे जब हम ए पे मैक्सिमाइज जेड निकालेंगे, तो यहाँ पे x1 300 है, तो ये जाएगा 600। एंड अब हम यहाँ पे बी पे निकालेंगे मैक्सिमाइज जेड, बी पे मैक्सिमाइज जेड निकालेंगे, एंड बी जो है हमारा यहाँ पे 200 200 है, तो यहाँ पे x1 x2 की जगह 200 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 400 + 600, तो ये हमारा हो जाएगा 1000। एंड अब हम सी पे निकालेंगे, सी पे हमें मैक्सिमाइज जेड निकालना है, सी यहाँ पे ये है हमारा 0,400, तो x1 की जगह 0 एंड x2 की जगह 400, तो यहाँ पे जाएगा 1200। अब सबसे ज्यादा यहाँ पे मैक्सिमम ये वाला है, ये वाला, तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमाइज जेड जो होगा यहाँ पे हो जाएगा 1200, एंड x1 की जगह यहाँ पे हो जाएगा 0, एंड जो हमारा x2 है वो हमारा हो जाएगा 400, ओके। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ, और यहाँ पे हमारा यूनिक सॉल्यूशन मिला है, एंड यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि आप देखिए पहले हमारा 0 आया, फिर 600, फिर 1000, फिर हमें 1200 मिला है। एंड हमें चाहिए क्या, मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज जेड चाहिए, तो वो हमारा सबसे मैक्सिमम लेंगे जो कि 1200 है। तो यहाँ पे इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें यूनिक सॉल्यूशन मिला है, तो इस टाइप से हम किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं।